फ्यूल फॉर चैंपियंस। मेरठ में हुए एक धमाके से न सिर्फ जिला बल्कि पूरा प्रदेश हिल गया। मेरठ से लेकर लखनऊ तक अधिकारी परेशान हो गए। युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश जारी किए गए, लेकिन अफसोस धमाके में ही इतना कुछ बर्बाद हो चुका था जिसके अब सिर्फ निशान ही बाकी थे। जी हाँ, धमाके से 3 मकान जमींदोज हो गए जिसमें दर्जनों लोग दब गए। ये तस्वीरें उसी हादसे की हैं जिसने सभी को हिला कर रख दिया। मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में सोमवार शाम को इंतजार अहमद के मकान में गैस सिलेंडर फटने से धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि एक साथ 3 मकान जमींदोज हो गए जिसमें एक महिला समेत 2 की मौत हो गई, तो वहीं अब तक 10 घायलों को निकाला जा चुका है। सिलेंडर के विस्फोट के आघात से ये घर कोलैप्स हुआ है। इसमें एक व्यक्ति को हमने अभी तक चक्कर निकाल करके अस्पताल भेजा हुआ है। अन्य 2-3 व्यक्तियों के लिए युद्ध स्तर पर मलबा हटाकर ढूंढने की कोशिश जारी है। आप सबसे मेरा यही गर्भवती निवेदन है, मिला उन आईडी हमको स्टेज पे करने के लिए मशीनें मोबिलाइज कर सके। नगर निगम की टीम, सीएफओ, फायर डिपार्टमेंट की टीम, पुलिस की टीम, क्या कर रहा है और अपनी पूरी ताकत से लगे हुए। जानकारी के मुताबिक धमाका इतना भीषण था कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई दी और तो और कई मकानों के शीशे तक फट गए। सूचना पर कई थानों की पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्य शुरू कराया गया। थाना लिसाड़ी गेट के अंतर्गत एक आवासीय भवन है, उसमें एक धमाका हुआ जो आसपास के लोगों ने सुना। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यहां पर पहुंचकर देखा तो कुछ लोग अंदर फंसे हुए थे और जो घर की जो छत थी वो धमाके की वजह से दब गई थी, उसके अंदर कुछ लोग फंसे हुए थे। पुलिस के द्वारा इसमें 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया जिनको अस्पताल पहुंचाया गया और अभी जानकारी हुई है कि जो एक महिला है उसकी इसमें दुखद मृत्यु हुई है और हमारी जो फील्ड यूनिट है वो भी मौके पर पहुंची हुई है और फील्ड यूनिट के माध्यम से पता किया जा रहा है कि धमाका किन वजहों से हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में इंतजार, सरफराज और आदिल के मकान गिर गए जिनमें दर्जन भर लोग दबकर घायल हुए। वही पड़ोस में रहने वाले समाज सेवी गुलशेर राणा का कहना है कि मकान में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे जिसमें विस्फोट होने से वो गिर गया। इतने मिली है तो हमें लगता है कि सिलेंडर का इतना बड़ा वो नहीं हो सकता, तो कुछ सुनने वाला पटाखे भी बना रहे थे, ये सब कुछ होगा। तो वो हमारी पुलिस टीम जो लगी है जाँच कर रही है, लोग ये कह रहे हैं हम लोग जाँच करके बताएंगे कि फॉरेंसिक की टीम यहाँ से ले गई है इनपुट जो भी मिला उन लोगों को, तो वो देखेगी कि ये सब चीज़ें ओके हैं तो वो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे सिलेंडर का हादसा है और या पटाखों का हादसा है। हादसा बहुत बड़ा है और ऐसा हादसा हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। आसपास की मेरा यही प्रशासन से अपील है, जो पीड़ित परिवार है इंजर्ड हो चुके हैं, इनकी मदद की जाए और इनको तत्काल प्रभाव से मुआवजा दिया जाए। तो मैंने डीएम साहब से यही गुहार लगाई अपने क्षेत्रवासी होने के नाते। समाज सेवी गुलशेर राणा का कहना है कि ये हादसा पटाखा फटने से हुआ, तो वहीं फिलहाल पुलिस जांच में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। फिलहाल मलबे को हटाया जा रहा है तो वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी हम मौजूद हैं मेरठ के थाना निसाड़ी गेट क्षेत्र में समर गार्डन, जो 60 फुटा सेकंड समर गार्डन है। यहां पर अभी कुछ ही देर पहले जो है 2 सिलेंडर फटने की बताई जा रही है, जिसमें 2 सिलेंडर फटे हैं और 3 ये मकान हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो पीछे का दिखाए, 3 ये मकान हैं। 3 मकान किस तरीके से यहाँ पर मलबा दबा हुआ है जिसमें से लगातार बॉडियाँ निकल रही हैं और एक महिला की मृत्यु हो चुकी है जिसमें 7 दबे हुए निकल चुके हैं जो काफ़ी गंभीर रूप से घायल है और रेस्क्यू की टीम लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है कि यहाँ से कुछ ना कुछ निकल जाए, कोई बॉडी निकले या कुछ निकले। और किस तरीके से यहाँ पर आपस में दरारें आई हुई हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर JCB खड़ी हुई है और 2 सिलेंडर फटे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पटाखे बनाने का काम भी चलता है। लेकिन ये पुलिस प्रशासन का काम है कि वो किस तरीके से यहाँ जाँच करती है और ये जाँच का विषय है। मेरठ से कैमरामैन आसिफ सफ़ी के साथ शाहरुख सफ़ी, न्यूज़ टाइम मिशन। मसल बॉम, प्योरिटी, पोटेंशियल एंड परफेक्शन, फ्यूल फॉर चैंपियंस। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।